गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में आपके लिए अपने सूट के कुछ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि कुछ तो मैंने ऑनलाइन लिए थे, कुछ मैंने यहाँ शिमला लोकल मार्केट से लिए थे। सिंपल सूट है कि तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी उन सूट से, किस तरह से हम पाइपिंग लगा के सिंपल सूट को और भी फैंसी बना सकते हैं, और भी जिससे कि हमारे सूट और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 सूट मैंने अभी इस वीक बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, एक ये वाला सूट है, ये मैंने इसका फैब्रिक लिया था कुर्ती का और प्लाजो का भी, तो मैंने ये यहाँ यहीं शिमला में लिया था लोअर बाज़ार से। तो मतलब ये सूट नहीं था, मतलब ये अलग अलग फैब्रिक था, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है इसका दोनों का। यहाँ पे देखिए प्लाजो बनाया मैंने इस तरह का इसका, और यहाँ पे मैंने इसमें बटन लगाया। फिर जैसे इसकी शर्ट है, और शर्ट मैंने बहुत सुंदर बनाई है इसकी। ये नेक जो मैंने इसका खुद से डिज़ाइन किया है, मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल में ऑलरेडी डाल रखी है, तो जाइए अगर आपको भी इस तरह का नेक बनाना है। और इसकी स्लीव मैंने इस तरह की बनाई है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो एक ये वाला था, और एक ये वाला ये मैंने आज मार्केट के लिए भी डाला था, तो मैंने ऑनलाइन लिया था, ये तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। तो इसका नेक मैंने इस तरह से बनाया था, और इसकी स्लीव्स मैंने इस तरह से बनाई है। फिर इसमें जो मेरी लेंथ है तो कम पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसमें इस तरह की पाइपिंग लगाई, फिर इसकी लेंथ को इंक्रीज किया। तो इसके साथ मैंने वो अफगानी सलवार है ना, वो चली है, वो बनाए। अफगानी सलवार भी दो तरह की, एक तो आप जैसे जो सलवार डालते हैं ना, जो कॉमन होती है बेल्ट वाली, तो उसमें आप नीचे से इस तरह के पोंचे बना सकते हैं। फिर इसकी जो ये वाली है, इसकी कटिंग जाती है प्लाजो की तरह, जैसे जो प्लाजो होता है ना, खुले वाला प्लाजो, तो उसकी तरह इसकी कटिंग होती है। बस ये है कि इसमें नीचे से चुनट पड़ती है इस तरह की, तो ये हल्की होती है वेयर करने में। एक ये वाला था, और अच्छा एक ये वाला था, इसका कॉम्बिनेशन में मैंने खुद से बनाया है। ये मैंने प्लाजो लिया वाइट कलर का, बहुत सुंदर लगता है, ये तो नॉर्मल है। अच्छा जो इसकी शर्ट है ना, बहुत सुंदर बनी है, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, जो इसका फैब्रिक है ये मैंने ऑनलाइन लिया था। फिर मैंने इसमें इसको थोड़ा हैवी करने के लिए मैंने इसमें लाइनिंग लगाई है। तो जो इसकी स्लीव है ना, ये इस तरह की है कुछ, यहाँ पे ये मैंने अभी तक डाला नहीं है, तो इसकी शायद से इमेज भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें इस तरह के पफ जैसे बनाया है इस तरह को। और जो इसकी स्लीव है, ये भी बहुत सुंदर है, फुल स्लीव रखी है। जो इसका नेक है, पोटली बटन ही बनाया है मैंने इसमें, यानी कि पाइपिंग के साथ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फिर मैंने इसमें साइड में पाइपिंग लगाई है पतली सी, बिल्कुल यहाँ पर दिखा, बहुत सुंदर लगता है। मैंने अभी तक डाला नहीं है ना, तो इसकी इमेज भी नहीं होगी शायद से, बाकी देखती हूँ। अच्छा, और ये की येलो वाला, हाँ इसके साथ का, ये इसके साथ का प्लाजो है, और ये इसके साथ का दुपट्टा, ये भी बहुत सुंदर है। तो मैंने 4 सूट बनाए, एक और भी रेडीमेड लिया था, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे सुंदर सूट कौन सा है। आज मैंने मार्केट से देखी ये वाली जूती ली है। अब ये तो पता नहीं कि कितना चलती है, बट मुझे लगा कि ये मतलब अच्छी टिकने वाली, और हल्की भी है, अफोर्डेबल भी है, इतनी महंगी भी नहीं है, 350 की है। और मैं मेहरून कलर ही लेती हूँ, मेरा फेवरेट मेहरून कलर है, तो मेरी जूती मैं कल ही लेती हूँ। जैसे मैं बाज़ार जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ।